नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा लाभ भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 का जो हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुशी है उसका हम मंगलाचरण पढ़ेंगे, क्योंकि हम सर्वप्रथम मंगल कामना के लिए किसी भी कार्य को करने से पहले हम मंगल कामना के लिए हम मंगलाचरण को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखो मंगलम, मंगलम ठीक है ना, मंगलम का अर्थ होता है मंगल कार्य, मंगल कामना के लिए कोई हम जो सर्वप्रथम जो कार्य करते हैं उसको हम मंगलम कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यश्याम समुद्र उत सिंधुरापो यश्याम मन्नः कृष्टयः सम विभुः, यानी कि इसके बाद में यश्यामिदं जीवंत प्राण देजतः सानुभूमि पूर्व पये दधातु, यानी कि यश्या समुद्र उत सिंधुरापो यश्या मनः कृष्टयः सम विभुः, यानी कि जिस भूमि में महासागर, ठीक है ना, समुद्र यानी महासागर, सिंधुरापो है ना, और नदियां हैं, सिंधुरापो नदियां और जलाशय है, सिंधुरापो का मतलब क्या है, नदियां और जलाशय है, झील और सरोवर आदि जो है वो विद्यमान है। ठीक है ना, यश्याम समुद्र उत सिंधुरापो यश्याम मन्नः, मन्नम कृष्टय कृष्टय सम विभुः, यानी कि जिस भूमि में महासागर नदियां और झील सरोवर आदि विद्यमान है, जिसमें अनेक प्रकार के यश्यामन्नः अनेक प्रकार के जो है वो क्या है, भोज्य पदार्थ है, अन्य यानी भोज्य पदार्थ है। ठीक है ना, उसके बाद में तथा कृषि व्यापार आदि को कृष्ट यानी कृषि व्यापार आदि को करने वाले लोग सामाजिक संगठन में बनाकर रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि कृष्ट सम विभु, यानी कि कृषि आदि कृषि व्यापार आदि करने वाले लोग जो हैं वो सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऐसा जो हम जिस भूमि में समुद्र नदियां जलाशय झील सरोवर आदि विद्यमान है और उसमें अनेक प्रकार के भोज पदार्थ जो है वो उपजते हैं, उसमें व्यापार आदि करने वाले जो लोग हैं वो सामाजिक संगठन को बनाकर रहते हैं। ठीक है, यश्यामिदं जीवंत प्राण देजतः सानुभूमि पूर्व पे दधातु, यानी कि जिस भूमि में इस जीव प्राण सांस लेते हैं, है ना, प्राणातन सांस लेते हैं प्राणी और चलते फिरते हैं, ठीक है ना, वह मातृभूमि हमें प्रथम साल भूमि पूर्व पे दधातु, यानी कि वो जो है वो हमारी जो मातृभूमि है वो हमें प्रथम भोज्य पदार्थ जो है वो प्रदान करती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जो हमें जिस भूमि में हम सांस लेते हैं, प्राणी जो है चलते फिरते हैं उस भूमि में, वो मातृभूमि हमें जो है वो क्या करती है, प्रथम भोज्य पदार्थ खाद्य पेयजल प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए इसके बाद में क्या करें, यश्याश्च तस्त्र प्रदेश पृथिव्या इश्या मन्नः कृष्टय सम विभु वो, यानी कि जिस भूमि में चार दिशा यश्या चतस्त्र, यानी कि जिसमें क्या है चार दिशाया है, ठीक है ना, चतस्त्र का मतलब क्या है दोस्तों, चार चार दिशाएं, चार दिशाएं,
ठीक है ना, चार दिशाएं प्रदेश है ना, पृथ्वीभ्याम यानी कि चार दिशाएं तथा उपदिशाएं भी अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ यानी कि अनेक प्रकार के जो है वो भोज्य पदार्थ जो है वो फल शाक आदि जो है वो उपजाती है। यहाँ कृषि कार्य करने वाले जो है कृष्ट या संविभु यानी कृषि कार्य करने वाले जो है वो सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं कि यहाँ पर चार दशाएं है, चार उपदशाएं है और अनेक प्रकार के इस यश्यामन्नम यानी अनेक प्रकार के जो है भोज पदार्थ फल शाक आदि जो है वो उपजाती है। और यहाँ कृषि भूमि पर कार्य करने वाले लोग जो है वो संगठन बनाकर रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, या विभर्ति बहुधा प्राण दे जतः सार्वभूमि गौरवशे प्यन्यते दधातु, यानी कि जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों सांस लेने वाले तथा चलने फिरने वाले जीवों को प्राण यानी सांस लेने वाले के बहुबाई बहुत प्रकार के अनेक प्रकार के जो है वो चलने फिरने वाले जो लोग हैं उनको क्या करती है, धारण करती है यानी कि हमारी जो मातृभूमि है वो बहुत प्रकार के जो है जीव जंतु चलने फिरने वाले सांस लेने वालों को क्या करती है, धारण करती है। वह मातृभूमि हमें गौ आदि भूमि गोस्व गो गोस्व प्यन्यते पेन्ने दधातु यानी कि हमें गौ आदि पशुओं का तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना दे यानी कि भूमि गौ वस्पने यानी कि हमारे जो है गौ आदि जो पशु है और खाद्य पदार्थ जो है उसमें हमें संपन्न बना दे। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि हमारी भूमि में चार दशाएं हैं, चार उपदशाएं हैं, इसमें अनेक प्रकार के भोज पदार्थ आदि जो है वो उपजाती है और इस पर जो कृषि कार्य करने वाले जो लोग हैं वो संगठन बना करके रहते हैं। और जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों को जो सांस लेते हैं उनको क्या करती है, धारण करती है और हमारे लिए अन्न इत्यादि पदार्थों को उपजाती है और गौ आदि पशुओं का हमें लाभ प्रदान करती है। ठीक है ना दोस्तों, इसके आगे की ओर चलते हैं हम। देखिए, जन्म विभ्रति बहुधा विपाश्चसम नाना धर्मणाम पृथ्वी यथेष्कषम सहस्त्रम धारा द्रविणस्य मे दुहा द्रविणेन धैनुरन पस्फुरन्ति यानी कि क्या कह रहे हैं कि जन्म जन यानी क्या होता है लोग, ठीक है ना, विभ्रति बहुगा विवाश्चस यानी कि अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन संप्रदाय को ही एक ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाली तथा कष्ट नष्ट न होने देने वाली जो है वो क्या है, वो हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, इसमें कह रहा है कि नाना अनेक प्रकार के धर्मों को, ठीक है ना, अनेक प्रकार की भाषाओं को, ठीक है ना, धार विभिन्न प्रकार के लोगों को जन समुदाय को एक ही घर के लोगों को धारण करने वाली हमारी जो है वो पृथ्वी सहस्त्र धाराम द्रविणस्य दुहा द्रुवेण धैनुरन्ति और जैसी स्थिर जो है पृथ्वी हमारे धन की सहस्त्र धाराओं को है ना सहस्त्र धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के क्या है सो दूध देती है। ठीक है दोस्तों, इसका हमें मतलब बता रहा है
कि हमारे जो अनेक विभिन्न प्रकार के जन समुदाय हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार के लोगों को धारण करे हुए हैं, उस प्रकार अनुस्मृति स्थिर जैसी है यह पृथ्वी हमारे धन की सहस्त्र धाराओं को भी उसी प्रकार से दोहन करे जिस प्रकार गाय जो है वो बिना बाधा के अपने जो जो उनका वो मालिक होता है उसको दूध देती है, उसी प्रकार से गाय जो हमारी जो पृथ्वी है वो हमें धारण करे। दोस्तों इस मंगलाचरण में हमें पृथ्वी के लिए यानी कि पृथ्वी हमें अपने ऊपर धारण करे हुए है, पृथ्वी अनेक नदियों का जल, समुद्रों का जल और अनेक प्रकार के फल साक आदि जो है, अन्न इत्यादि जो है वो हमें प्रदान करती है और इसमें हमें प्राणों को जीवित करने के लिए अनेक प्रकार के वृक्ष पक्षी हैं वो हमें क्या है सांस प्रदान करते हैं और हमें अनेक प्रकार की जो है वो गाय इत्यादि पशुओं को भी हमें प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमें हमारी जो पृथ्वी है वो हमें सभी प्रकार से लाभप्रद है, हमें लाभ प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।